आने वाला MP MLA अगर भारत में व्यवस्था न होती, अनुसूचित जाति रिजर्वेशन न होता, तो क्या उनको, जैसे कि आपकी विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, बछरावा विधानसभा सुरक्षित है, यहाँ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनकर जाएगा। लेकिन जो सामान जो उस व्यवस्था के पोषक है, यानी जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम करते हैं जो विधानसभा में जाए और कुछ ना बोले। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन जिनको हम चुनकर भेजते हैं सुरक्षित सीट से, भैया क्या आप किसी जनरल सीट से चुनके जाते हैं, सुरक्षित सीट से चुनके जाते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं? जिस दल से वो चुनके जाते हैं, अगर उस दल का व्यक्ति, अगर उस दल का नेता अगर बहुजन विचारधारा का नेता है, तब तो वहाँ बहुजन विचारधारा की बात होती है। अगर वो बहुजन विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ बहुजन विचारधारा की बात नहीं होती है। साथियों, आज जो कुछ उनको मिल रहा है, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें करना उचित नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, अगर राजनीति भी हमें मिल रही है, तो वो भी गणतंत्र की वजह से ही मिल रही है। अगर हम नेता बन रहे हैं, हमारे लोग नेता बन रहे हैं, तो भारत के संविधान की वजह से ही नेता बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति आ ही जाती है। साथियों, आपने देखा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, अभी जल्दी ही पेपर में निकली थी कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसको भी ये जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक है, उसको भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें समता समानता की सबको व्यवस्था देती है, ये बात उनको हजम नहीं होती है। आज जरूरत है समाज को एकजुट होने की, आज जरूरत है जो ये बहुजन समाज के लोग हैं, 85% के लोग हैं, इनको एकत्र होने की आज जरूरत है। हर घर में एक नया अम्बेडकर बनाने की, हम अम्बेडकर को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम उनकी विचारधारा भी कर सकते हैं। और उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे, अगर हम संगठित होंगे तभी हम सत्ता के आसपास जा पाएंगे। आप देखिए भारत के आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत, लेकिन जो 15% के लोग हैं वो पूरे देश पे राज कर रहे हैं, और जो 85% के लोग हैं वो ना तो अपना संविधान बचा पा रहे हैं, ना तो अपना रिजर्वेशन बचा पा रहे हैं, और ना तो अपना SC ST बचा पा रहे हैं। और जबकि ये सब चीजें संवैधानिक तरीके से आपको दी गई, और इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग उस समय आदेश में आके कि ये हमारी जाति का है, ये हमारी जाति का है, ये तुम्हारी जाति का है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग MPLA के बना के भेज देते हैं कि वो वहां जाते हैं, हमारे ही अधिकारों का हनन करते हैं। तो साथियों, आज हमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेना होगा कि हम भले ही एक रोटी कम खाएं, भले ही हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा के उस शिखर तक पहुंचाने का काम करें जहां तक हमारी क्षमता हो। अगर क्षमता ना हो, फिर भी हम किसी से उधार लें या एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, लेकिन शिक्षा के शिखर तक पहुंचाने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत गरीब परिवार से थे, ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े परिवार से थे, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन बचपन से उन्होंने वो पीड़ा झेली थी, वो दुख झेला था, वो प्रताड़ना झेली थी। उनको तो स्कूल के बाहर बैठाना जाता था, उनको स्कूल से बाहर बैठाना जाता था। आप लोगों को स्कूल के अंदर बैठने को मिल रहा है, आप गाड़ी से पढ़ने जाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन उनको उनको तो स्कूल से बाहर बैठने को मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय जिस तरीके का भेदभाव उचित था, आज तो फिर कम। लेकिन साथी में समाज को, यानी हम बहुजन समाज को जो भारत के मूल निवासी हैं, इनको हम एक ऐसा मौका देंगे, एक ऐसा ग्रंथ बनाएंगे अगर हमको मौका मिला,
कि इनके जो है इनके साथ कोई भेदभाव इंजीनियर नहीं करते। आपको इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया, भारत का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन फिर भी खासतौर से हमारे जो बहने हैं, हमारे जो माताएं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके बीवी ना हो, बच्चे ना हो, माँ हो, बाप ना हो, सभी के किसी प्रकार के पाखंड में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जब संविधान नहीं था तो जो जो लोग उस सदी के 90-95 साल के होंगे उनसे जरा पूछना कि उनकी स्थिति क्या है, आज की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या थी, तो उनसे पूछना कि उनकी स्थिति क्या थी। आज जरूरत है आपको शिक्षा की, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि आप नौरात 9 दिन पढ़ते रहो कि नौरात 5 दिन पढ़ते रहो, वहां सिर्फ शिक्षा के सवाल होंगे। तो हमारी जो बहने हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनसे हमारा निवेदन है, और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बहुत नौजवान साथी हैं, गाड़ियों में लिखा के घूमते रहते हैं जय महाकाल जय महाकाल, दुनिया भर का ड्रामा लिखा के घूमते रहते हैं, उसे आपको क्योंकि आपको पेपर जब देने जाओगे तब वहाँ आपसे ये पूछा जाएगा, सवाल आएगा तो वहाँ आपको लिखित परीक्षा होगी, वहाँ पाखंड नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, आपको शिक्षा की ओर बढ़ना है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, आपकी आस्था है, आप क्या कर रहे हैं वो आपकी आस्था है, लेकिन हमारी आस्था सिर्फ एक है, हमको संविधान पढ़ने की जरूरत है, हमको शिक्षा की ओर बढ़ने की जरूरत है, जिससे अगर आप सोचिए जो मंच पे लोग बैठे हैं, अगर ये अपने माँ बाप को कहा ना माने होते, अगर ये पढ़े ना होते, आदरणीय एपी राहुल साहब है, जिस पद से ये रिटायर हुए हैं, बहुत कम लोग रिटायर होते हैं उस पद से, बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये शिक्षित ना होते तो क्या जिस पद पे ये थे उस पद पे पहुंच जाते हैं? आप कितना भी कुछ कर लो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप प्रयास करिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के शिखर पर पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि आपके जो दुख दर्द हैं वो कोई नेता नहीं दूर करने आएगा, हम भी नहीं आएंगे, हम एक दिन आएंगे, महीने में एक बार कहीं आपको बुलाओगे, 10 बार बुलाओगे तो एक बार आएंगे। आप अपनी परेशानी का कारण आप स्वयं सुधार सकते हैं, तथागत बुद्ध ने कहा था कि आप स्वयं अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो अगर आपको अपना भविष्य संवारना है, अपने घर की परेशानी को दूर करना है, तो प्रत्येक घर से एक बच्चे को ब्रिलियंट बनाने की कोशिश करिए, ताकि वो परिवार की व्यवस्था को बदलने का काम करे, यही हमारा संदेश है, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित समाज है वही इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। आप सोचिए, हमारी माताओं की तरफ से हम थोड़ा माताओं की ओर कहना चाहते हैं, जिस समय सावित्री बाई फूले जी शिक्षा के लिए बहनों को पढ़ाने के लिए जाते थी, उस समय सामंतवादी व्यवस्था के लोग उन पर गोबर मारा करते थे, और ज्योतिबा फूले जी कहते थे कि आप इन गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हो, तुम पर गोबर मारा जाता है, ना जाया करो। तो सावित्री बाई फूले जी ने कहा कि हम 2 साड़ियां लेकर जाते हैं, हम 3 लेकर जाएंगे, लेकिन इन गरीब बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है उसमें से एक बच्चा सुधर जाए, एक बेटी हमारी सुधर जाए, एक हमारी बहन हमारी बात मानने सुधर जाए, तो हो सकता है कि यहाँ की तस्वीर बदल जाए। और वो व्यवस्था हुई, शिक्षा लागू हुई, पढ़ना चालू किए, समाज में लोग शिक्षित हुए, डॉक्टर इंजीनियर बने, आप देख रहे हैं, आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण है, पेपर में आता है कि रिक्शे वाले का लड़का IAS बना, तो वो पढ़ाई किया, तब IAS बना। आपको भी पढ़ाई करना है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ आप सिर्फ एक काम करिए, विचारधारा पे काम करिए, और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करिए, शिक्षित होइए, निश्चित तौर पे आपकी परेशानी दूर होगी। संविधान को पढ़ने की कोशिश करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोग एकत्रित हुए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के जो आयोजक है, मैं सभी को एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो छोटी बहनें आई है, बड़ी बहनें आई है, माताएं आई है,
हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को एक साथ जय भीम नमो बुधाय करता हूँ। जी बहुत ही कम समय में बहुत ही सारे